कैसे हो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको लेक्सिस टेबलेट के यूज के बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल को कई दिनों से आप जैसे अच्छे और प्यारे साथी की जरूरत थी, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। हमें पता है कि आपका कीमती समय मूल्यवान है, तो अधिक न लेंगे सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि लेक्सिस टेबलेट का यूज किस तरह की समस्या या बीमारी में किया जाता है। दोस्तों, आज जिसे लेक्सिस टेबलेट के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा सामान्य नाम फ्लूरोसेमाइड होता है। यह एक ऐसी दवा होता है जिसका उपयोग कई तरह की अलग अलग बीमारियों में किया जाता है, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित विभिन्न स्थितियों की इलाज करने के लिए लेक्सिस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर लेक्सिस टेबलेट के यूज के बारे में हम विस्तार से बात करें कि इसका यूज किस तरह की समस्या या बीमारी में किया जाता है, तो वह कुछ इस तरह से होगा। नंबर वन, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। लेक्सिस का उपयोग अक्सर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में किया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं में तरल पदार्थ की मात्रा को कम करने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप कम करने में मदद मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो उस समय हमारे ज्ञानी डॉक्टर के द्वारा लेक्सिस टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। यदि आप या फिर आपका कोई अपना है जिसे इस तरह की समस्या या फिर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर ने यह दवा आपको दी है। इसके अलावा नंबर टू है, शरीर के किसी भाग में बहुत अधिक पानी के कारण से होने वाले सूजन यानी एडिमा को कम करने में भी इस दवा को दिया जाता है। अगर आपके या फिर आपके किसी अपने के शरीर के किसी भाग में बहुत अधिक पानी के कारण से सूजन हो चुका है, तो उसे कम करने के लिए भी लेक्सिस टेबलेट को लिया जा सकता है। जैसे कि पाँव में पानी भरने के कारण से होने वाले सूजन, पेट में पानी भरने के कारण जो सूजन होता है उसे कम करने के लिए, आदि तरह की जो सूजन होती है उन्हें कम करने के लिए लेक्सिस टेबलेट लेने की सलाह अक्सर डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। नंबर थ्री, यकृत की बीमारी, सिरोसिस जैसी लीवर की बीमारियों से जुड़ी एडिमा को प्रतिबंधित करने के लिए भी लेक्सिस निर्धारित किया जा सकता है। और इस दवा का उपयोग करने के कारण से इस तरह की समस्या काफी हद तक ठीक भी हो जाती है। नंबर फोर, गुर्दे की बीमारी। गुर्दे की बीमारी में कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि किडनी स्टोन, रुक रुक कर पेशाब आना, यूरिन इन्फेक्शन आदि तरह की गुर्दे की बीमारी अलग अलग को हो सकती है, तो उस समय डॉक्टर लेक्सिस टेबलेट के लेने की सलाह दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, लेक्सिस टेबलेट का यूज कुल चार तरह की बीमारियों में किया जाता है, जो कि दवा के प्रभाव के कारण से दूर हो जाती है। आज के इस लेक्सिस टेबलेट के वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अधिक वीडियो समय समय पर बनाते रहें। अगर जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।